The Taliban is in control of Afghanistan. The country's president has fled, and Western countries are scrambling to get people out. And this took the US. Afghanistan, ek aisa desh jo hamesha se hi asthitaon se jhoojhta raha hai. पिछले एक साल से अफगानिस्तान में तालिबान का राज है. जब से तालिबान का राज हुआ है अफगानिस्तान में, तभी से लोग वहां जाने से डरने लगे हैं. मैं अपने इस अफगानिस्तान सीरीज के वीडियो के द्वारा आपको रूबरू करवाने वाला हूं अफगानिस्तान के हकीकत हालातों से. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द इंडो ट्रेकर. और अभी हम लोग हैं दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और आज हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल कंट्री को घूमने, विजिट करने, जो कि एक्चुअली थोड़ा सा उस कंट्री को घूमने से पहले एक्साइटमेंट भी है, थोड़ा सा डर भी है. आप लोग कुछ भी मान लो यार, लेकिन थोड़ा सा ये मान लो डर कम है, एक्साइटमेंट ज़्यादा है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो अभी उस कंट्री को विजिट कर रहे हैं. और हम लोग जा रहे हैं अफगानिस्तान को विजिट करने. ये हमारा अफगानिस्तान का लगभग 20 डेज का ट्रिप होने वाला है, और इस 20 डेज में हम लोग काफ़ी अच्छे से अफगानिस्तान को एक्सप्लोर करने वाले हैं. अभी हमारा फ्लाइट है यहाँ से लगभग 3:30 बजे, और कल सुबह हम 7 बजे लगभग अफगानिस्तान पहुँच जाएंगे. तो देखते हैं अफगानिस्तान में कैसा क्या एक्सपीरियंस होने वाला. अपना आप लोगों के साथ सारे एक्सपीरियंस शेयर करूँगा. बहुत अच्छे अच्छे वीडियो जाएंगे, बहुत एडवेंचर भरे वीडियो जाएंगे. हेलो सर, how are you? I'm good brother, thank you. Why are you so nervous? Happy to see you. Why are you so nervous? Flying on flight, that's why I'm nervous. Especially I'm going Kabul, right? भाई जबरदस्त वाला एक्साइटमेंट है, क्या बताऊँ अफगानिस्तान को लेकर. बस देख रहे हैं कब 7 बजे कब अफगानिस्तान पहुँच जाए बस एक बार, और फिर करेंगे धमाका फिर तालिबान के साथ. ये धमाका 2-4 बंदूकें मैं भी खरीद लूंगा, तालिबान के साथ हो जाऊंगा. वैसे दाढ़ी हो ही रही है मेरी तालिबान जैसी. और अब बाकी की जो कहानी है वो आपको चलते चलते बताते जाऊंगा इस वीडियो में. तो बने रही इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि ये वीडियो ख़त्म होगा कल अफगानिस्तान में पहुंचने के बाद, वो भी कल शाम को अफगानिस्तान में थोड़ा बहुत विजिट करने के बाद. सो गाइस, फाइनली अब हो गया है हमारे बोर्डिंग का टाइम होने वाला है, और थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी है, थोड़ा सा डर भी है, थोड़ा सा नर्वसनेस भी है, सभी फीलिंग्स आ रही है मड़ मड़ के. तो क्या है बताएं, क्योंकि अभी वहाँ पे जो अफगानिस्तान में जो टूरिज्म इतना है नहीं, और तालिबान के बाद में आप लोगों को पता है कि हर कोई डरा हुआ है वहाँ जाने से. देखते हैं अभी, लेकिन ये है कि तालिबान के बाद वहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा है. जब तालिबान वहाँ पे सत्ता में नहीं था, गवर्नमेंट में नहीं था ना, तब वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा था, लेकिन अब वहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा है. फर्स्ट टाइम हम लोग इस फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं काम एयर में, और ये है दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट. फाइनली हम लोग एंटर कर रहे हैं काबुल के लिए फ्लाइट में. ये फाइनली सो गाइस, फाइनली हम लोग आगे बैठ गए हैं फ्लाइट में, और फ्लाइट है जो अब टेक ऑफ करने वाली है. व्हाट्स योर नेम? तन्या. डेनियल. यस, नाइस नेम. वेयर आर यू फ्रॉम? व्हिच कंट्री? ऑस्ट्रेलिया. सो फाइनली गाइज, हम लोग पहुंच गए हैं काबुल. वेलकम टू अफगानिस्तान. और गाइज, ये वही रनवे है काबुल एयरपोर्ट का, जहां एक साल पहले तालिबान के आने के बाद लोगों में देश छोड़ने के लिए यहां पे भगदड़ मची हुई थी. लोग अपनी जान बचाने के लिए यहां से अपना देश छोड़कर भागने में लगे हुए थे. ये है काबुल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो आपको सामने दिख रहा है काबुल शहर. यहाँ पर आने के बाद एक अलग ही फीलिंग आ रहा है यार. सही बताऊँ, जो डर था ना, वो यहाँ पे लैंड होते ही मतलब थोड़ा सा यूँ कम सा हो गया है, मान के चलो. फाइनली हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट के बाहर, और यहाँ की इमिग्रेशन प्रोसेस वगैरह थी वो हो गई सारी. जो एक्साइटमेंट लेवल था वो है, और जो फेयर डर का लेवल था वो थोड़ा सा कम हुआ है. यहाँ पे अब है जो सब खैरियत है, सब सेफ है. डॉलर तो चेंज करवा लिया है मैंने, और सिम कार्ड है जो अंदर 700 रुपये का दे रहे थे, 700-1000 रुपये का दे रहे थे, मतलब इंडिया का और अफगानी. इंडिया अफगान का जो करेंसी है ना, वो है अफगानी, जो कि सेम में कोई खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. $1 की बात करूँ तो $1 में 80 आज की प्राइस है 80 इंडियन रुपीज़, और अफगानी का प्राइस है 87 इंडियन रुपीज़, तो सॉरी 87 अफगानी $1 में, तो कोई खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. आप भी 5 साल बाद आया? मैं 5 साल बाद आया. कैसा लग रहा है? मस्त. हाँ, मैं भी अच्छा, आने से पहले सोच रहा था, लेकिन अब लग रहा है सब बढ़िया है एकदम मस्त. प्रॉब्लम तुम्हें नहीं आ रहा था, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, सब मस्त अब. वेलकम, थैंक यू, थैंक्स ए लॉट. अब है जो काफ़ी अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है. तो आप लोग है जो अफगानिस्तान घूमने भी आ सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है. अब यहाँ पे आए, लव अफगानिस्तान का बोर्ड लगा रखा है इन्होंने, तो सबसे पहले तो एक फ़ोटो बनता है लव अफगानिस्तान के बोर्ड के साथ. लेकिन यार जो
एक साल पहले यहाँ पे जो माहौल था ना, जब से तालिबान आया था तब से, मैं थोड़ा जोर से नहीं बोलूँगा, लेकिन तब से तालिबान आया था ना, तब से जो माहौल था ना, जो लोगों के मन में धारणा है ना, जो लोगों के मन में गलत गलत भ्रांतियाँ ना तालिबान को लेकर, वो अब ऐसा कुछ नहीं है। तालिबान अब जो यहाँ पे बिल्कुल पावर में है, सत्ता में है, बिल्कुल पीसफुली काम कर रहा है, ऐसा कुछ भी रिस्क नहीं है यहाँ पे। आप लोग आना चाहे, घूमना चाहे तो अफगानिस्तान को घूम सकते हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर, बाहर काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने अपने लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं जो अपने अपने लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। कितना 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 सिटी सेंटर का टैक्सी, कितना कितना टैक्सी भाई, टैक्सी एयरपोर्ट डिपार्चर 500 रुपए दौलत इमारत भैया, 5 किलोमीटर भैया, बहुत 5 किलोमीटर पास में है, बेंजीन बहुत ज्यादा है, 100 रुपए का टैक्सी हो गया, 500 रुपए किराया। अरे भाईजान 500 रुपए बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सर, पेट्रोल महंगा है भाई, पेट्रोल महंगा है, हमारे इंडिया से महंगा नहीं है, इंडिया से बहुत महंगा, इंडिया से महंगा नहीं है, इंडिया तो 120 है, सीएनजी पर चलता है 120 भाई जान, सीएनजी पेट्रोल कोई मुश्किल नहीं भाई, हमारा टैक्सी है 500 अफगान अफगानी में हमने टैक्सी कर लिया, और यहाँ से होटल जाएंगे, होटल जाने के होटल के लिए यहाँ पे 1500 रुपए बोल रहा है भाई मिनिमम। जो भाई साहब कैसे हो आप, ये करना क्या है आपने, पहले ये बताओ। हाँ इंडिया में देना, इंडिया में देना है गुप्त सूचना, इंडिया में हाँ टूरिस्ट है यार, वीडियो बनाते हैं यूट्यूब की, कैसी बातें करते हो आप, टूरिस्ट या टूरिस्ट, अरे टेररिस्ट नहीं भाई साहब, टूरिस्ट बमसम वाला है, टूरिस्ट बताएंगे, अरे नहीं बमसम लाए हैं हम लोग बैग भर के। अच्छा हाँ कोई नहीं था एयरपोर्ट में, उन्होंने बोला जाओ उन्होंने बोला जाओ कोई भाई साहब फाइनली अफगानिस्तान में एंट्री हो गई है। 10 दिन दुबई में वीजा के लिए चक्कर काटे हैं, वहाँ पे हम लोगों ने मान के चलो कि वीजा लेने के लिए हम लोगों ने कम से कम एक बंदे ने 1 लाख रुपए खर्च किए होंगे, इसलिए हम ये ट्रिप है ना बजट में करना चाहते हैं यार, बजट में, बिल्कुल बजट में। और ये वेलकम टू काबुल, वेलकम टू काबुल। भाई साहब आप देख सकते हो हम कितने उत्साहित हैं अफगानिस्तान में घूमने के लिए यार, बहुत दिनों से प्लान बना रहे थे। शीशे उठाओ ना, ये तंग कर देगा, शीशा उठाओ भाई, शीशा उठाओ, देखा होगा कि यार वो छोटे छोटे बच्चे थे वहाँ पे, पैसे मांग रहे थे। यहाँ पे इंडिया में भी आप लोगों को ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे छोटे छोटे बच्चे। यहाँ पे जो ट्रैफिक के कोई रूल्स नहीं है, एक ये सिंगल वे है, इस पे गाड़ी उधर भी जाएगी और इस पे गाड़ी इधर भी आएगी, वो वे है उस पे गाड़ी उधर भी जाएगी, उस पे गाड़ी इधर भी आएगी। वैसे अफगानिस्तान पता नहीं, मैं पहले केवल न्यूज में ही देखता आया था, लेकिन अब देख रहा हूँ ना तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, जैसा न्यूज में देखता आया हूँ ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है अफगानिस्तान, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा है, अच्छा है और बिल्कुल पीसफुल लग रहा है अब मुझे। पहले जैसा मुझे बिल्कुल भी फील नहीं होता, जैसे पहले होता था ना लोग आने के नाम से ही डरते थे, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ पे होटल होटल सर्च कर रहे हैं, ये भाई मिला है, ये 6 साल है जो इंडिया में पढ़ाई किया है नोएडा में, वो आने चाहिए होटल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है वहीद। वहीद हाँ। कहाँ कहाँ रहे हैं आप लोग? कहाँ पर, यहाँ पर नहीं, इंडिया में, इंडिया में, इंडिया में लाजपत नगर न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, और नोएडा मालवीय नगर, नोएडा मालवीय नगर, क्या बात है, 6 साल पढ़ाई वहीं किया, वहीं पर किया, घूमने के लिए नैनीताल देहरादून शिमला सब जगह मैंने चला गया। इंडिया से लोग बहुत अच्छा लोग है, मैं आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ इंडिया, आपके भी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाई, ओके भाई, ओके। पता नहीं लोगों को क्या हुआ यार, होटल देख रहे थे।
अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं इस गली में रूम देखने, और रूम है जो काफ़ी महंगा महंगा बता रहे हैं यार यहाँ पे। अभी गली में हलचल, अच्छी खासी हलचल है, ऐसा कोई ऐसा मुझे फील ही नहीं हो रहा है कि मैं काबुल की गलियों में घूम रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे जयपुर की गलियों में घूम रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे आराम से मस्त आके आप लोग घूम सकते हैं यहाँ पे। ये है जो यहाँ का सिटी सेंटर एरिया है ना, वहाँ पे है ये। अभी हम लोग यहाँ का जो सिटी सेंटर एरिया है अब काबुल का, वहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं। इस होटल में हम लोगों ने यहाँ पे होटल लिया। एक्चुअली यहाँ पे होटल आपको ऑनलाइन कोई भी होटल नहीं मिलेगा, ऑनलाइन आप जो लोग चेक करोगे ना तो एक दो होटल मिलेंगे, और वो होटल 10-12-15 हज़ार के होटल मिलेंगे एक नाइट के लिए। और जो बाकी होटल्स हैं ना वो सब ऑफलाइन है, तो आप लोगों को यहाँ पे ऑफलाइन करके हमें यहाँ पे आके ही ऑफलाइन होटल बुकिंग करनी पड़ी है। और वो हमारा टैक्सी ड्राइवर था, उस भाई ने हमारी हेल्प की है होटल बुकिंग में। तो अभी हम लोग चलते हैं ऊपर। ये यहाँ पे होटल में तो अंधेरा हो रहा होगा। ये देखो यहाँ पे, ये हमारा रूम, बिल्कुल नॉर्मल रूम है, बजट ट्रेवलिंग कर रहे हैं। सुबह जब से आए थे तब से हम बस सो ही रहे थे, तो अब मैं निकला हूँ थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा खाना पीना खाने। आज कुछ भी नहीं खाना हुआ है, सुबह से कुछ खाना नहीं हुआ है, बस अब थोड़ा सा खाना पीना खाएंगे और यहाँ पे सिम कार्ड वगैरह खरीदेंगे। यार अभी हम लोगों ने सिम कार्ड भी नहीं खरीदा है यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद सुबह तक सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत कुछ ऐसा वैसा सुना, उसके बाद थोड़ी सी फटी भी पड़ी है ये मान लो। कोई होटल है अच्छा सा? अच्छा सा कोई होटल खाना खाना गली में, वो जो पहला होटल है ना, रेस्टोरेंट, वो ठीक है, बढ़िया, मस्त मस्त बढ़िया। और सिम कार्ड कहाँ से मिलेगा? मैं सिम कार्ड यहाँ से जमा के जाओगे तो एक रोड आएगी, फिर सीधे हाथ मोड़, वहाँ पर इत्सालात की जो मेन ब्रांच है वहाँ पर है। अच्छा, ओके, धन्यवाद भाई साहब। लोग आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार मोहब्बत से बातें करते हैं, लेकिन बस वही है पॉलिटिकल इश्यूज है, बाकी और कुछ नहीं लेना देना। पॉलिटिकल इश्यूज के चक्कर में है जो आम जनता बस सफ़र करती रहती है। लेकिन मुझे एक चीज़ जान के यहाँ पे अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि यहाँ पे ना पहले वुमन्स, अभी मैं देख पा रहा हूँ जो महिलाएं हैं ना वो काफ़ी आज़ादी फ्रीडम से घूम पा रही है। ऐसा नहीं कि उनको बुरका वगैरह पहनना कंपलसरी है, बिना बुरके के यहाँ पे महिलाएं घूम रही है। पहले जब तालिबान पहले आज से 20-25 साल पहले था ना, तब ऐसा बिल्कुल नहीं था, तब बिल्कुल पूरा बुरके में पैक रहना पड़ता था वुमेंस को। पहले सिम कार्ड परचेज कर लेते हैं यार, बाकी खाना बाद में खाएंगे। हेलो, आई एम गुड, कैसे हो आप? ठीक है, बढ़िया, मजे में। बस थोड़ा सा सिम कार्ड ले आए आगे से, फिर आते हैं ना। सिम कार्ड ले आए, अभी सिम कार्ड नहीं लिया। गाइस इतना एक्साइटमेंट था ना, मतलब here we don't get there, इधर नहीं है उधर सिम कार्ड दे वांट, सिम कार्ड अच्छा, नेट अच्छा हो बस उसमें, नेट रिमोट टाइम के नहीं आपका सिम है, कौन सा सिम? AWCC, नेट अच्छा चलता है, स्पीड 4G प्लस। सिम कार्ड चाहिए भाई, कैसे हो? शुक्र। सिम कार्ड मिलेगा? नहीं इधर नहीं है, लेकिन आगे थोड़ा स्टार्ट गो, सलाद कंपनी सराज कंपनी, किसका अच्छा है? गुड इंटरनेट, रोशन इज गुड, रोशन गुड इंटरनेट, It's good internet. You can purchase from the shirkat. Which company? Is good. Good internet speed. Yes, internet. Good internet. I think Etsalat is good. What Sarat? Etsalat. It's near the. Salat. Yes. Etsalat. That one. Oh, this one. This is good, huh? This good? Etsalat. Etsalat, huh? Etsalat. 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 Your phone, Pakistan. अभी यहाँ पे क्या हुआ कि भाई साहब एक के पास तालिबान का एक बंदा था, उसके पास एक पोटेशियम गन थी, मेरा ध्यान में ही नहीं रहा साला, मैं उसको ना कैमरा करके पूछ रहा हूँ, वो मैं जिस आदमी से पूछ रहा था ना उसके जस्ट बगल में बैठा था। ओ भाई साहब मेरी फटी पड़ी थी, उसने बोला डिलीट कर वीडियो को, डिलीट कर। हाँ एकदम से यूँ फटी पड़ी थी, अब डर तो लगता ही है यार, क्या बताएं, मतलब
हेलो गुड 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 कैसे हो आप कैसे हो बढ़िया मजे यहाँ पे आप लोगों को ये चप्पल वगैरह ठीक करने वाले काफी लोगों की शॉप वगैरह मिल जाएगी ओके 20 रुपए 30 रुपया ओके ओके भैया एक आदमी 20 रुपए बोल रहे हैं एक आदमी 30 सर दो दे दो भैया और अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं वो है यहाँ का डाउनटाउन एरिया काबुल का कुछ ऐसा दिखता है आप लोग भी देख लो बिल्कुल ट्रैफिक जाम हो गया है काबुल की गलियों में सो यहाँ पे सिम कार्ड कंपनीज बहुत सारी है 4-5 सिम कार्ड कंपनीज है लेकिन मैं जा रहा हूँ कोई रोशन कंपनी है यहाँ पे आप लोगों को समझ में तो माई रोशन कंपनी है तो माई रोशन कंपनी का सिम कार्ड खरीद रहे हैं यहाँ पे उसका प्राइस है 1200 अफगानी यहाँ पे अफगान की करेंसी अफगानी है तो उसका 1200 अफगानी ले रहे हैं उसमें क्या है कि आपको 20 GB इंटरनेट मिलेगा उसका प्राइस है 1000 हेलो भाईजान हाय भाई क्या नाम है आपका मोहम्मद उमेर आपका निमतुल्लाह यस ओके धन्यवाद भाई साहब बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर एवरीवन ट्राइंग टू हेल्प अस वी लाइक दैट हर कोई यहाँ पे आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगा हर हेल्प करेगा यहाँ पे हर कोई ऐसा नहीं है बंदे बहुत अच्छे हैं अफगानिस्तान के यस दैट्स ट्रू बंदे बहुत अच्छे हैं अफगानिस्तान तुम अच्छा हो कि मैं अच्छा लगता हूँ धन्यवाद बिरयानी कर रहा है बिरयानी काबुली पुलाव शो यू ओके सी यू टुमारो सी माय फ्रेंड बाय Oh my God, इतने अच्छे लोग थे यार इस सिम कार्ड शॉप पे बहुत एकदम हेल्पफुल नेचर के लोग हैं यहाँ पे आप लोगों को बस वो थोड़ा सा वो डर है ना वो यही है कि यहाँ पे वो थोड़ा सा उथल पुथल पॉलिटिकल उथल पुथल चलती रहती है बाकी एकदम मस्त लगेगा आप लोगों को बिंदास हो के आराम से घूमिए आप लोग यहाँ पे परफ्यूम बेच रहे हैं कुछ भाई लोग परफ्यूम बेच रहे हैं यहाँ पे जो आपको ये शूज वगैरह मिल जाएंगे मैं भी अभी यहाँ की लोकल ड्रेस खरीदूंगा हेलो सलाम कैसे हो यू नो उर्दू इंग्लिश हाउ आर यू आई एम फाइन यू आर फाइन ओ थैंक यू हाउ आर यू आई एम गुड आई एम फ्रॉम इंडिया यस यस यार थैंक यू दिस इज माय फर्स्ट डे जस्ट टुडे मॉर्निंग आई केम हियर आई विल स्पेंड 20 डेज हियर यू आर वेलकम यार थैंक यू शुक्रिया तो अब हम लोग ओम भाई गोड़ वो हुम्मा कहाँ पक गया यार चपाती रोटी रोटी अफगान रोटी काबुली पुलाव का वो मलन मोहिशा कितना भैया काबुली पुलाव कितने का दिया 150 का 150 का ठीक है एक दे दो भैया दो ले लेते हैं ना हाँ दो दे दो भैया पार्सल करने शीप है ना शीप दो काबुली पुलाव ओ माय गॉड टेक्नोलॉजी यार टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो भाई बढ़िया है ऑर्डर दे रहा है भाई इंडिया राजस्थान हैदराबाद अभी यहाँ पे काबुली पुलाव है उसका ऑर्डर दे दिया है और अब हम मैं मेरे पे सामने शुगर केन जूस की शॉप दिखेगी तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा गन्ने का जूस पीऊंगा यार हेलो भाई जान कैसे हो एकदम मस्त बढ़िया यार गिलास खिला दो एक जूस का बड़ा छोटा बड़ा कितने का दिया छोटा कितने का दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसे का कोई बात नहीं अरे नहीं यार ऐसे थोड़ी होता है मुझे पैक भी करवाने हैं दो पैक करवाना है क्या हो गया बेबी सही है ना 40 अफगानी का एक गिलास है जो आपका होटल है हमारा ही अब तो हमारा ही होटल हो गया है ये दिन आ जाओ जो कोई मुश्किल हो जाएगा क्या टाइम यूज करते हैं वो ना ये होटल अच्छी बात बन में कने जरा हां रात 1 बजे अभी हम लोगों ने आज खाना वाना पैक करवा रहे हैं रोटियां वगैरह वहाँ पे रोटी नहीं मिली थी ये लोग पैसा नहीं ले रहे यार 350 अफगानी हुआ है लेकिन पैसा नहीं ले रहे इतने आवभगत इतने सम्मान करते हैं लोग इतना रिस्पेक्ट देते हैं आप लोग देखो यार मना करे हमने बोला हम बाद में आएंगे दोबारा तब मत लेना भले लेकिन पहली बार आए तो अब तो हम पैसा देंगे ही देंगे थैंक यू भाई जान शुक्रिया ओके 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 आते हैं मिलते हैं फिर दोबारा ओके ओके जिंदगी हो
बहुत वक्त कम है, बहुत वक्त कम है, नहीं नहीं बहुत है वक्त आपका। ओके क्या मस्त लोग है यार, मतलब पैसा नहीं ले रहे थे हमसे खाने का, खाने के पैसे के लिए मना कर दिया यार, कि यार मैं क्या बताऊं, मतलब मैंने जबरदस्ती उन लोगों को पैसा दिया यार। हाय कैसे हो, बढ़िया, ऐसी मेहमान नवाजी, ऐसा आदर, ऐसा सम्मान मैंने किसी भी देश में नहीं देखा, आज से पहले किसी भी देश में नहीं देखा यार। आप खाना पैक करवा के मैं जा रहा हूँ होटल में। ये थी हमारे पहले दिन की कहानी काबुल में, और काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को यहाँ पे घूम के। और सबसे अच्छी बात ये है, ये लोग ना इंडियंस लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फिर मिलते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, और ये अपना इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी है यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट के लिए, वहाँ पे फॉलो कर लें।